हेलो जी, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए भाई, आज फिर मास्टर जी ने मेरे आगे रख दी है गोभी, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन। अब ये और छीलना है, ये पड़ा है इसमें। और तो आज फिर इन्होंने खाने हैं भाई मिक्स वेजिटेबल्स के क्या परांठे, है ना। तो भाई परांठे बनाने में लगेंगे अभी, तो थोड़ा सा और लहसुन ये बच्चा ये छील लेते हैं और फिर किचन में चलेंगे, वहीं बनाएंगे फिर आप सभी के साथ क्या व्लॉग, ठीक है। छील दिया जी लहसुन और ये गोभी कद्दूकस करेंगे और ये शिमला मिर्च भी इसी में कद्दूकस कर देंगे, ऐसी अदरक तो ये कर लेते हैं। ये देखिए भाई, ये भी हाल भी किसड़ पिसड़ कर यार, 10 बज गए हाँ। और खाने के लिए मैं कद्दूकस किस कर अभी बनाए थे, बनाए थे, बनाए थे, 10 नहीं बज गए, 10:30 जैसे उस दिन बनाए थे ना, वो मस्त थोड़े बिल्कुल वैसे मजा आएगा। तो एक बात उस दिन तो भाई कहेगा अच्छा जी, हाँ बस आज तो चलो साहब जी उठ जो, भगवान यहाँ ते इसकी बैठ के ऐसी तैसी कर दी था ना, मन नहीं पता लग रहा मन किस ठेका दे नहीं पड़ा क्या है? और क्या नहीं, मेरे साथ चलो किचन में, मैं तो जाऊंगी देख लियो। ना ना मेरे पर नहीं आज, मैं तो भाई आज ठंड बहुत लग रही, मैंने भी तो ठंड लगा कोई। ये हो गया जी गोभी और शिमला मिर्च, ये अभी लहसुन तो करेंगे भाई, ये लहसुन तो कटर में होएगा, चॉपर में चॉप करेंगे इसको, और अदरक भी हो गया ये देखिए, और चलते हैं भाई किचन में। चलो मास्टर जी आप भी आ जाओ किचन में। मैंने कहा क्या, मेरा जी नहीं लगता, जल्दी आओ किचन में और जल्दी जल्दी काम करवा के खाना खा के जाओ आप। अच्छा लेके आ जाऊं, ओके बुलाएंगे भाई मास्टर को किसी ना किसी बहाने से, ना कोई बहाना सोचते हैं तब उठ के आएंगे, तो फिर बुलाते हैं। मास्टर जी बोल रहे भाई जैसे पहले बनाए थे ना परांठे उस दिन मूलियों के और शिमला मिर्च के, तो आज भी वैसे ही बनने चाहिए, पर आज मूली के नहीं है भाई, आज गोभी के परांठे बनेंगे और शिमला मिर्च और प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च हरा धनिया सब कुछ मिक्स कर दिया है। और अब ये कलौंजी डालेंगे भाई, ये कलौंजी है और ये तिल है और ये अजवाइन और ये गर्म मसाला और मिर्ची तो मैंने डाल दी भाई, नमक नमक डलेगा बस, अब बाकी सब कुछ इसमें मिक्स है और ये नमक, और इसको मिक्स करके ना आटे में ही गूंदेंगे, भर के नहीं भाई बनाएंगे, भर के नहीं बनाएंगे क्योंकि मास्टर जी कह रहे हैं आटे में गूंद के बनाओ, और आटे में गूंद के ही बनाएंगे इनको, ठीक है। ईशान के पापा भर के बनाए क्या? अच्छा भर के भी अच्छा लगेगा गोभी का परांठा? अच्छा लो जी, मास्टर जी ने मना फिर कर दिया दोबारा से, एक बार फिर पूछा मैंने कि भर के बनाएं क्या, तो साफ साफ मना हो चुका है, तो मास्टर जी भी आ नहीं रहे हैं, किसी बहाने से बुलाते हैं उनको किचन में, तो आवाज लगाऊं ईशांत के पापा इसमें नमक मिर्च चेक कर लो, फिर आप बोलोगे अच्छे नहीं बने का, मैं नमक मिर्च मजा नहीं आया, देखियो नमक मिर्च इसमें आके, बस नमक मिर्च देख के फिर चले जाइयो, और फिर जाने नहीं देंगे भाई इनको, किचन में ही रखेंगे। आगे तो फिर आप भी कहते फिर अच्छे नहीं बने नमक का, मैं मिर्च का कोई बहाना बनाएगा तब लाई ले यार, देखियो नमक मिर्च अच्छा। देखो आप कर दिया मिक्स, मिक्स हाँ थोड़ा भी आटा गूंदूंगी फिर हो जाएगा मिक्स तो। मस्त हो गया भाई, ठीक है ओके। क्या करेंगे ये क्वाई दिया आपने, क्या सब कुछ डाल दिया, कलौंजी भी डाल दी, तेल भी, सब कुछ अच्छा। हाँ ये ले लिया थोड़ा सा आटा और ये सारा मिक्सर, क्या है मिक्सर है क्या, मिक्स क्या बोलते हैं इसको, मिक्सचर क्या बोलना है इसने, मिक्सचर मिक्सचर भाई मास्टर ने भी नहीं बोल पता क्या बोलना है, मिक्सचर बोलना का मिक्सर बोलना मन ने बता दियो, अनाड़ी बंदे हैं हम, ठीक है कुछ भी मिक्स करके तने कर दिया सारा हाँ। जाम बस और क्या, ये सारे मिक्स वेजिटेबल हैं, मिक्स वेजिटेबल है इन्हें सारे, ये पाया दिमाग में पता क्या ठंड में ना दिमाग भी काम करना बंद कर देना तो बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जा, और कुछ नहीं है बस।
भाई दूध डाल देते हैं देख के थोड़ा थोड़ा बस सारी पतीला ही उजड़ लग रही इसमें तो ठंड भी तो देख रहे कितनी है तो फिर ये थोड़ी इतनी पीवांगे अपना वांगे कोई बात नहीं पी कर चाय बनावांगे नहीं पी कर दोबारा फिर ले लेंगे दूसरी शिफ्ट में अच्छा तो चाय का कोई नुकसान थोड़ी है सर्दी सर्दी में और कोई तो काम है नहीं परोंठे खाने और सबसे सारा काम है परोंठे बनाओ और चाय बनाओ खाओ पियो आराम से सोचो लियो जी सर जी पकड़ो अपनी प्लेट देख के नीचे गिरेगा अरे भैया क्या करे गैस खत्म लो जी सिलेंडर हो गया खत्म और दो ही रोटी बनी है देखो अभी क्या करेंगे सिलेंडर को चेंज करेंगे मैं क्या चलो आप एक रोटी खाओ जब तक ईशांत के पापा खा रहे थे ना अभी ये खा ले फिर उसके बाद चेंज करेंगे जब तक मैं इधर से सिलेंडर निकालती हूँ ध्यान से देखो इस बंदे को देखो इसको कितनी ठंड लग रही किचन में भी कंबल लेके आए और ले रहे चाय के साथ परांठे का आनंद देख लियो मेरी बारी में तो सिलेंडर ही खत्म हो गया भाई भाई मस्त बने परांठे बहुत अच्छे ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है सिलेंडर बड़ा ना देखिए बच गया तो तार दू फिर लो भाई तार सिलेंडर लो जी सिलेंडर लग चुका है हमारे किचन के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं तो बर्तन वगैरह किचन की जो क्लीनिंग रहती थी होती क्या रहती थी वो मैंने कर दी है भाई और मास्टर जी गए हैं ईशांत को लेने तो ईशांत को लेके फिर आएंगे मास्टर जी गए हैं अपनी ससुराल में तो ईशांत को लेने गए हैं भाई तो अब ईशांत ने भी आज तो बोल दिया पापा लेने आ जाओ तो और ईशांत का भी स्कूल का काम भी बहुत सारा रुक गया है तो फिर इसलिए लेने जाना पड़ा है वैसे तो रह लेता अभी तो भाई गीजर किचन का भी बंद कर देते हैं और लाइट बंद कर देते हैं तो चलिए और इधर हमारी ये वाश बेसन लाइट सारी लाइटें बंद कर देते हैं जगा रखी हैं सारी लाइटें तो ये भी और आराम से बैठेंगे भाई अब तो बैठ के फिर बताते हैं आपको आगे की जो बात होएगी होती है मतलब एक मिनट तो भाई मैं कह रही हूँ कि ना सर्दी बहुत हो रही है तो मेरे को ना आज याद आया मुझे कि मैंने तो दो तीन दिन से पानी की एक घूंट भी नहीं पी है तो मैं ना अभी ये पानी की पूरी बोतल लेके आई गर्म पानी तो आज इसको मैं यहीं बेड पे रखूँगी और ये सारी बोतल मैंने ख़त्म करनी है और इसमें अच्छे से उबाला लगा के ना फिर लेके आई हूँ गर्म गर्म पानी पियेंगे पूरा मस्त वाला तो भाई पानी भी पीना जरूरी है तो आप सब भी अगर कोई भूल गया ना तो पानी पियो भाई खूब काफ़ी सारा और गरम गरम पानी पीना है ठंडा पानी नहीं पीना है अगर ठंडा पियोगे ना तो ठंड चढ़ जाएगी और मैंने बाल ना मेरे बाल पूरा एक हफ्ता हो गया मैंने भाई बालों को देखा ही नहीं देखा क्या मतलब मैंने इनको खोला ही नहीं चोटी को जैसे थी ना वैसे की वैसे ही और ना ही कंघी की है ना ही बाल धोए है तो भाई कल देखेंगे बाल धोएंगे क्योंकि भाई अगर मैं बाल धोऊंगी तो मेरा तो भाई सारे दिन बुरा हाल हो जाएगा क्योंकि बाल फिर सूखने भी नहीं काफ़ी देर तक तो भाई बाल हम धोएंगे जिस दिन धूप निकलेगी ना उसी दिन धोएंगे तब तक बाल नहीं धोए जाएंगे भाई मेरे होने दो बाल तो ख़राब हो ही गए हैं भाई लगता है एक तो नए सर्दी में सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये बाल धोने की सुखाने की हो जाती है भाई तो और वैसे भी ना बाल बेकार हो जाते हैं सर्दी में हो चलो भाई जब ईशांत और आएंगे फिर आपको मिलते हैं हम फिर बताते हैं ईशांत के साथ कौन कौन आएगा कैसे आएंगे और वो कहाँ से होते हुए आएंगे ठीक है